पहला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज कंट्रीब्यूशन ऑफ विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अभ्यास का नियम किस स्कूल दी ही योगदान है। हुन इत्थे स्कूल तो यह नहीं समझना जिस स्कूल विच बच्चा पढ़ता है, क्योंकि तुसी टीचर बनन जा रहे हो, टीचर ने स्कूल विच पढ़ाना है तो शायद उस बारे सवाल पूछा जा रहा है। स्कूल का इत्थे मतलब बनता है ग्रुप ऑफ थिंकर। ग्रुप ऑफ थिंकर केड़े? साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि साइकोलॉजी दी है। जेकर इत्थे स्कूल ऑफ लर्निंग होवे फिर भी ठीक है, लर्निंग। फिर लर्निंग थ्यूरिस्ट जिहड़े ने उन्हां दा ग्रुप, वो ग्रुप जिहड़े एक तरह दे विचार रखदे हन उन्हां नूं एक स्कूल विच पा दित्ता जांदा है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला तो मैं लिखिया होया है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिस दे मुख साइकोलॉजिस्ट ने मैक्स वर्दिमर कोफ्का कोहलर। ये क्यों ड्रा किया होया है? पी एस टेट विच अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केड़ा साइकोलॉजिस्ट जां लर्निंग थ्योरिस्ट किस स्कूल ऑफ थॉट जां स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ थॉट जो आता है तो उदो फिलोसॉफिकल गल हुंदी है, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जां लर्निंग है उदो साइकोलॉजी की गल हुंदी है। हुण बिहेवियरिज्म मेन है, बिहेवियरिज्म सब तो पहला मैं थॉर्नडाइक ही क्यों लिखिया है, क्योंकि थॉर्नडाइक नू, ई एल थॉर्नडाइक नू फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अगे चल के इन्हां दी गल करदे हाँ। पावलोव है क्लासिकल कंडीशनिंग, पूछा जा सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किन्हां दी थ्योरी है। वाटसन भी क्लासिकल कंडीशनिंग, पर इन्हां ने डॉग ते एनिमल ते एक्सपेरिमेंट किया सी। इन्हां विचों सिर्फ एक ही नहीं ह्यूमन बीइंग ते एक्सपेरिमेंट किया है, वो ने वाटसन। वाटसन ते होर केड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है? एक्सट्रीम एनवायरमेंटलिस्ट कौन ने? वाटसन उहदा उत्तर हुंदा है। होर वाटसन ते केड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुसी मैनू एक कोटेशन, तुसी मैनू एक दर्जन बच्चे दिओ ते जे 20 साल बाद जो तुसी चाहोगे मैं उन्हां नू उही बना देवांगा। जे भिखारी कहोगे भिखारी बना दांगा, जे डॉक्टर कहोगे डॉक्टर बना दांगा। इस तरह दी स्टेटमेंट वाटसन ने दित्ती सी कि एनवायरमेंट इस तरह दा दित्ता जा सकता है कि जो बच्चा तुसी चाहो बना सकदे है। इत्थे इन्नी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे कारण एजुकेशन दी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा वध जांदी है, क्योंकि एजुकेशन ने अच्छा एनवायरमेंट ही देना हुंदा है कि असी अच्छे डॉक्टर इंजीनियर इंसान सिटीजन बना सकिए। अच्छा, बी एफ स्किनर साइकोलॉजिस्ट जिन्हां दी थ्योरी दा नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग है, तुहानूं चाहीदा है कि कॉपी पेन ते एक चार्ट तो बाद कॉपी पेन दे मुताबिक जो मैं बोल रहा है वो लिख लो, क्योंकि अक्सर इहदे चों बहुत छोटे मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले ये क्वेश्चन नहीं हैं। अच्छा, प्रोग्राम्ड लर्निंग के फादर हैं। रीइनफोर्समेंट, रीइनफोर्समेंट जिथे भी शब्द आता है सब तो वध यूज होया है। शेड्यूल्ड ऑफ रीइनफोर्समेंट बी एफ स्किनर का, पहली लर्निंग मशीन किन्हां ने बनाई बी एफ स्किनर ने, थ्यूरी का नाम मैं दस चुका हाँ। ठीक, जे तुसी थ्योरी दे नाम इन्हां दा देखना है कनेक्शनिज्म, ई एल थॉर्नडाइक दा कनेक्शनिज्म। दूसरा थ्योरी दा नाम है ट्रायल एंड एरर, ई एल थॉर्नडाइक। ठीक, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई है, नाल ही इन्हां दा दूसरा नाम है सिग्नल लर्निंग। पावलोव दा थ्योरी दा होर नाम भी हैं नो स्टिमुलस नो रिस्पोंस थ्योरी। होर इन्हां दा की नाम है एस आर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पोंस थ्योरी। स्किनर दी थ्योरी दा नाम की है? अच्छा, पावलोव ते वाटसन क्लासिकल कंडीशनिंग इन्हां दी थ्योरी दा नाम कॉमन है। ठीक, क्योंकि ये अनकॉन्शियस जिहड़े लैवल ते लर्निंग हुंदी है, लोएस्ट लैवल लर्निंग है उसनों एक्सप्लेन करते हैं, इमोशनल लर्निंग नूं एक्सप्लेन करते हैं, फोबिया नूं एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ए एस आर थ्योरी सी पावलोव दी, बी एफ स्किनर दी थ्योरी केड़ी है? आर एस, रिस्पोंस पहला है स्टिमुलस बाद है, क्योंकि जेड़े रिस्पोंस एनिमल जां लर्नर द्वारा दिते गए उन्हां विचों जेड़ा राइट रिस्पोंस होएगा उसनों स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिता जाएगा जो रीइनफोर्समेंट बन जाएगा, ए एस रीइनफोर्समेंट बन जाता है। सो ए थ्योरीज दी ब्रीफ। कंस्ट्रक्टिविज्म, पियाजे इज द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी कह सकते हैं। प्याजे इज फादर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, प्याजे इज फादर ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट। सो प्याजे कहते हैं कि कदे भी साइकोलॉजी उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़िया, कोई डिग्री हासिल नहीं की, पी एच डी उन्होंने इस साइकोलॉजी नहीं सी, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी दे फादर बन गए। उन्होंने फस्ट थ्यूरी जी कोगनेटिव डिवेलपमेंट की थ्यूरी, स्कैमा का कंसैप्ट दिता, अडेप्टेशन प्रोसैस का, उस असीमीलेशन अकोमोडेशन ते जी है
इक्लिब्रेशन एंड डिसइक्लिब्रेशन, ये सारे कंसैप्ट जो भी आते हैं ऑप्शन पियाजे नूं ही याद करना है। ब्रूनर, ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग, इकट्ठे क्यों लिखा है, दोनों ही कॉग्नेटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट ने, जे ये क्वेश्चन पूछा जाता है पियाजे ते ब्रूनर। अच्छा, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जॉन डेवी ते वाइगोस्की, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने, जेकर किते भी ऑप्शन सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ या सोशल कल्चर इन्फ्लुएंस करता है लर्निंग नू, ते वाइगोस्की उसका नॉर्मली उत्तर होता है। डेमोक्रेसी की गल सब तो ज़्यादा की है जॉन डेवी ने, अमेरिकन प्रैगमेटिस्ट ने, और मैं वीडियो में गल कर चुका हाँ। सो ये ब्रीफ स्कूल ऑफ लर्निंग का एनालिसिस है। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रायड असी जानते हाँ, फादर ऑफ साइकोलॉजी है ना। अच्छा, मेन क्वेश्चन जो है ला ऑफ एक्सरसाइज, इसकी गल कर लीए, वापस चलते हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है ला ऑफ एक्सरसाइज से। ई एल थॉर्नडाइक 1898 के करीब है ना, बिल्कुल 97 या 98 के करीब इन्होंने अपनी थ्योरी दिती सी। थ्योरी दे जो रिजल्ट सी वो एक्सप्लेन किए कि प्राइमरी ला ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी ला ऑफ लर्निंग। सो जो भी ला ऑफ लर्निंग कित भी क्वेश्चन आता है तो वह हमेशा ही थॉर्नडाइक के ये प्राइमरी ला ही होंगे। उन्होंने सब तो पहला ला सी ला ऑफ रेडीनैस। रेडीनैस की सी के मोटिवेशन का प्रिंसीपल से जोड़ा फस्ट टाइम एजुकेशन अप्लाई किया गया, इन्हों की पहली कॉन्ट्रीब्यूशन से। विदाउट मोटिवेशन असी बच्चे टीच नहीं कर सकते, जब तक बच्चा लर्न कर रेडी नहीं है वह लर्न नहीं करेगा। जे टीचर या पेरेंट उसको रेडी कर लेंगे हैं तो वह अच्छा लर्न करेगा, सिर्फ सिंपल ये प्रिंसीपल से। मोटिवेशन इंटरस्ट ये जोड़े जा सकते हैं। ला ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मेन रैपीटेशन, इस दे दो फरदर डिवीजन है जी। अगर क्वेश्चन होर क्वेश्चन मैं कैप्शन ना संभावी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेडे, वो ये क्वेश्चन ने जहाँ पिछे जेडे डिस्कस करके आया है। ला ऑफ यूज मीन के रैपीटेशन हो रही है स्टिमुलस के रिस्पोंस की है ना। कनैक्शनिज्म की थ्योरी से इन्हों की, कनैक्शन बिटवीन या बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पोंस। वैसे थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस शब्द नहीं यूज किया, सिचुएशन यूज किया, एस उसको भी रिप्रजेंट कर सकती है। अच्छा, डिसयूज के स्टिमुलस से रिस्पोंस नू डिसयूज कांटा क्रॉस कर दिता के रिपीट नहीं किया जाता। बच्चे ने ए फॉर एप्पल स्टिमुलस रिस्पोंस है ना, तो वह रिपीट किया है, यूज किया है, रिपीट किया है। जो तो रिपीट करता है तो उसको याद रहेगा, जो रिपीट नहीं करता तो वह उसको भूल जाएगा। लेकिन वीक साल बाद उसने ये जो अपना प्राइमरी ला से वो रिवाइज किया, उसके क्या सी ला ऑफ यूज नाल स्टिमुलस रिस्पोंस का कनैक्शन तो पक्का बन जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि डिसयूज नाल ए बच्चे जो स्टिमुलस के रिस्पोंस का कनैक्शन टुट जाए, यह जरूरी नहीं है। यह कांटे ते क्वेश्चन मार्क होया सी, उन्होंने यह कहा कई बार एक बार ही स्टिमुलस रिस्पोंस दी एसोसीएशन रिपीट ना करन दे बावजूद भी याद रह सकती है। नैक्सट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसीपल जिहड़ा जे पूछा जाए वो प्रिंसीपल ऑफ इफेक्ट सी, जे पहले नंबर पर रेडीनैस है, दूसरे नंबर पर प्ले इफेक्ट है। इसे प्रिंसीपल नूं उठा के बी एफ स्किनर ने कबूतर ते होर एक्सपैरीमेंट किए सी। एक्सपैरीमेंट की है, दो डिवीजन ने इहदियां, प्रिंसीपल ऑफ प्लेयर, प्रिंसीपल ऑफ पेन। प्रिंसीपल ऑफ प्लेयर की है कि जदों भी किसी रिस्पोंस किसी बच्चा बिहेवियर दिखाता है, रिस्पोंस दिता है, आंसर दिता है, जे उस आंसर तो बाद प्लेयर मिलता है तो स्टिमुलस रिस्पोंस कनैक्शन पक्का हो जाता है, लर्निंग हो जाती है। ठीक है, जेकर किसी एक्शन तो बाद रिस्पोंस तो बाद कॉन्सीक्वेंसिज पेन वाले निकलते हैं तो स्टिमुलस रिस्पोंस एसोसीएशन टुट जाती है। इसको भी 20 साल बाद 30 साल बाद सॉरी पिछले भी मेरे ख्याल मैं 20 साल कहता 30 ईयर के करीब इसको फिर रिवाइज किया गया कि ला ऑफ प्लेयर बिल्कुल एक्यूरेट है, इस विच कोई दो शक नहीं है। इससे तो स्किनर ने काम किया, लेकिन ला ऑफ पेन ये जरूरी नहीं है कि जिस स्टिमुलस रिस्पोंस चो या जिस एक्टिविटी चो पेन मिलती है वह भुल जाती है, कई बार वो भी याद रह सकती है। सिंपली ये गल्लां सी। सो ला ऑफ एक्सरसाइज थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक जिहड़ा भी इजम स्टिमुलस रिस्पोंस की गल करता है उस जां लर्निंग नू एक्सप्लेन करन लई स्टिमुलस ते रिस्पोंस
ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਆਰ ਮੀਨ ਰਿਸਪੋਂਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਓਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਮਈਅਰੇਬਲ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 30 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁੱਲ ਰਿਸੋਰਸਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮਟੀਰੀਅਲ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕੋ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਸੋਰਸਫੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਫੁੱਲਨੈਸ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਨਫ ਮਨੀ ਮਨੀ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਕਿੱਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦ ਹਾਇਰ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਡੀਕੁਏਟ ਨੌਲੇਜ ਇੱਕ ਥਿੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਫੁੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਿਓ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋ ਦੈਟ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਪੁਨੇਟਿਵ ਮੇਅਰ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਦੰਡ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ 95 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 93 94 ਐਂਡ 73 ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 86 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸੰਭਾਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 86 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ 2002 ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਡ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ 86 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਹੋਈ 21A ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ 45 ਤੋਂ ਇਹ 21A ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਐਡਿਡ ਨਿਊ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਅੰਡਰ 51A ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੰਭਾਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ 73 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੋ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ 93rd ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ empowered the state to make a special provision for socially and educationally backward classes or scheduled class or scheduled tribes in educational institution ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ educational institution including private and educational
whether aided or unaided by the state except the minority educational institute clause 1 वगैरह वगैरह. सो ये एजुकेशन नाल संबंध रखता है लेकिन ये डायरैक्ट वो एक्सप्लेनेशन नहीं है जिहड़ी कि सानू क्वेश्चन दे विच पुछी गई है, पर असी इस नू सब तो राइट आंसर दे करीब ले जा सकते हाँ ये देख के कि अगलिया जो अमेंडमेंट्स है उहदे विच की है. ओके, 94th अमेंडमेंट विच की है, मेड द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इन चार्ज ट्राइबल वेलफेयर इन स्टेट, कोई संबंध नहीं एजुकेशन नाल. 95 एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन सीट ऑफ एससी एंड एसटी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन एंग्लो इंडियन, कोई स्कूल एजुकेशन उसकी गल नहीं है, सिर्फ एक आर्टिकल ही है जड़ा के गल कर रहा है 93rd अमेंडमेंट सिर्फ है, रेड कर लेने हाँ ए वाली. ठीक, सो इसनू असी राइट आंसर दे तौर पे. ए बैकवर्ड चाइल्ड इज वन हु इन द मिड ऑफ द कैरियर अनएबल टू डू द वर्क फॉर द क्लास नेक्स्ट बिलो दैट विच इज नॉर्मल फॉर हिज एज. ये डेफिनेशन किसने द्वारा दिती गई? देखिए ये लोअर लैवल दे क्वेश्चन ने पर पूछे जाते हैं की किया जा सकता है. सो बट दी ये डेफिनेशन है पंजाबी विच देख लीए, जो बच्चा स्कूली जीवन विच अधिक अध विचकार अपनी उम्र मुताबक श्रेणी तो एक श्रेणी थल्ले दी जमात दा कम करन विच असमर्थ है, विद्यार्थी तौर ते पिछड़िया होया कहा जाता है, किसकी डेफिनेशन है? कोई वड्डी गल नहीं है, इंपॉर्टेंट कोटेशन या डेफिनेशनज है वो तुसी इस तरह लर्न कर सकते हो. कल्चरल एक्सपेक्टेशन ऑफ मेल एंड फीमेल बिहेवियर आल कॉल्ड, मर्द ते औरत दे व्यवहार दियां सभ्याचारिक उम्मीदां नू की कहा जाता है? हम सभ्याचारक उम्मीद तुसी पंजाब दे कल्चर दे हो, पंजाब दे विच की है? यही है कि जो औरतां हन फीमेल है वह सलवार कमीज पहने, सिर ते दुपट्टा लवे, वह किचन विच रोटी पकावे ना कि खेतां विच हल चला. मर्द नू इस दे उल्ट की कहा जाता है कि वह बर्तन ना मांजे, वह बाहर वाले काम करे, उसका पहरावा जिवें पगड़ी है, शर्ट है, कमीज है, कुर्ता है, पजामा है. सो ये साडियां कल्चरल एक्सपेक्टेशन है कि वह जिवें मैं कह आया खेतों में हल चलावे, बाहर दे काम करे, मस्कुलर काम करे, अपनी फैमिली नू प्रोटेक्ट करे. तो इन्हां उम्मीदां नू की कह सकते हाँ? जेंडर टाइप, जेंडर रोल, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर अनुपात की स्थिरता, कॉन्सटेंसिज है ना, बिल्कुल नहीं है. ओके, जेंडर टाइप नहीं है, जेंडर आइडेंटिटीज, जेंडर आइडेंटिटीज है कि तुसी मान लो मैं मेल हाँ, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल तौर पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर मैं मेल हाँ, लेकिन जे मैं ये फील कर रहा हाँ कि यार मेरे विच फीमेल वाले गुण हैं, मैं फीमेल वांग पहरावा पाना चाहना हाँ, तुरना चाहना हाँ, गल्लां करना चाह, इट मीनस फिर जिहड़ा ये मेल ते फीमेल दे विचकार है ना, थर्ड जेंडर मान लो इत्थे है मेल, मैं जे मैं पूरा मेल फील करिया ते हाँ भी मेल, ते फिर मैं मेल जेंडर हाँ. जे मैं मेल होने दे बावजूद इन्ना क फीमेल फील कर रहा हाँ, इट मीनस मैं होर कोई जेंडर है, मेरी आइडेंटिटी, मैं कुछ अपनी पहचान बिल्कुल मेल दे तौर पर नहीं बनाई. इसे तरह कोई फीमेल लड़की है लेकिन वो मर्दा वाले हरकत आदत व्यवहार करना चाहते, उसको लगता कि मैं इस तरह हाँ. सो जेंडर आइडेंटिटी का संबंध वो फीलिंग्स नाल है, तुहाडी अपने आप नाल एक्सेप्टेंस नाल है जिहड़ी दूजियां तो तुहानू वक्री करती है. सो इत्थे तुहानू रोल कहे गए हैं, सीधा साडा आंसर है जेंडर रोल. असीं जेंडर रोल क्यों लगाया? क्योंकि बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट, दीआं एग्जाम्पल दित्तियां बिहेवियर दीआं, इत्थे जेंडर आइडेंटिटी विच फीलिंग की गल आ रही, इसलिए रोल नू एक्सेप्ट किया है, बिहेवियर नाल बिल्कुल मैच कर रहा है. प्याजे दी प्याजे बच्चे की सिक्ख्या नू उस दे ज्ञानात्मक ढांचे दे कम करन दे पद्धर अनुसार ढालन दी दा समर्थक है. इस संकल्प नू की कहिंदे हन? थोड़ा जिहा समझ लेना चाहिए है, ज्ञानात्मक ढांचा, कोगनेटिव स्ट्रक्चर, जे होर कुछ नहीं तो स्कैमास, स्कीमास है ना. वैसे स्कीमा जदों सारे स्कीमा की गल की जाती है, जो थोड़े माइंड ऑलरेडी बनी हुई नॉलेज वक् वक् वस्तुओं से प्रक्रिया बारे बारे है, बॉल का है, क्लॉक का है, बल्ब का है, कैमरे का है, पेन का है, ये ज्ञान थोड़े अंदर है, ये एक एक का स्कैम है, सारे स्कैमे मिलकर जो बनता है उसनों ज्ञानात्मक ढांचा, जहाँ इतने लिखा होएगा कोगनेटिव स्ट्रक्चर. क्या लिखा है यहाँ? कोगनेटिव स्ट्रक्चर आ लिखा है ना.
हाँ इस स्टेटमेंट क्या की रहा है, एडवोकेट नीड ऑफ टेलरिंग द एजुकेशन ए चाइल्ड अकॉर्डिंग टू लैवल। हूँ देखो कि उन्हें लैवल की दिता सी, लैवल वन सेंसरी मोटर, लैवल टू प्री ऑपरेशनल स्टेज, लैवल थ्री कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, लैवल फोर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्टेज। जे हूँ ए उन्होंने कहा कि ए जीरो तो दो साल है, ए दो तो सत्त साल है, ए सत्त तो ग्यारह साल है, तो ये ग्यारह या बारह साल तो प्लस है। उन्होंने कहा कि बच्चा इतने तक डिवेलप जो होया है, इतने तक डिवेलप होया है, उसनू एजुकेशन, इस बच्चे नू एजुकेशन इस पद्धर दी ना दिती जावे इन्नी उच्ची, क्योंकि वह तैयार नहीं है, वह इस पद्धर लई तैयार है। ठीक, ए वाला बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल, इसनू विभिन्न प्रकार का मटीरियल दिता जाए और लॉजिकल काम दिते जान, इत्थे लॉजिक डिवेलप हो जाता है, लॉजिक डिवेलप हो जाता है, इत्थे इंडक्टिव रीजनिंग डिवेलप हो जाती है, ये तुहाडे होर क्वेश्चन बनते हैं, इत्थे डिडक्टिव रीजनिंग डिवेलप हो जाती है, इत्थे एक्सपैरीमेंट साइंटिफिक थिंकिंग डिवेलप होने की संभावना हो जाती है। सो जे साइंटिफिक थिंकिंग साइंटिफिक एक्सपैरीमेंट तुसीं 11 साल तो थले दे रहे हो, इट मीनस के अकॉर्डिंग टू कोगनेटिव स्ट्रक्चर नहीं चलिया जा रहा। इसे नू उसने प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस कहा सी, जिस स्टेज विच बच्चा है, साड़ी टीचिंग लर्निंग प्रोसैस, साड़ा करिकुलम, साड़ा कंटेंट जो बच्चे नू दिता जाता है उस स्टेज का दिता जाए। सो इस नू इहदे विच की कहा गया है, सैल्फ लर्निंग नो बिल्कुल नहीं, क्लासीफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एजुकेशन इस तरह का कुछ इहदे विच नज़र आया, पीपल सेंटर्ड एजुकेशन के बच्चे प्यूपल नू लर्नर नू देखा जाए कि उहदी स्टेज की है, उहदे मुताबक उसनू कंटेंट एक्सरसाइज ते टीचिंग लर्निंग प्रोसैस विच पाया जाए, जो हायर च है उसनू हायर दिता जाए, जो हाईएसट विच है तो उसनू हाईएसट कंटेंट ते टीचिंग लर्निंग प्रोसैस विच पाया जाए। सो ए राइट आंसर है सी, स्टिमुलेशन ऑफ लर्निंग इत्थे नहीं है, स्टिमुलेशन ऑफ लर्निंग मोटिवेशन इत्थे नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोरोन हैव एन आई क्यू लैवल ऑफ, क्रैमिंग लैवल का क्वेश्चन है, तुम इस तो 8-10 क्वेश्चन होर बना सकते हो, मैं पीपीटी तुम्हें दिखा रहा हाँ, स्लाइड देखो, देखो कई क्लासीफिकेशन है, इतने मैं वो क्लासीफिकेशन तुहाडे सामने रखी है, इसकी फोटो क्लिक करके रख लो क्योंकि लर्न करनी पै सकती है। क्लासीफिकेशन विच ये शब्द कई बार जिहड़े आंसर पूछे जाते हैं, इसनों डिवाइड करो, खुद हाथ नाल बनाओ, सब तो थले थ्री ईडियट फिल्म नू याद रखो, थ्री ईडियट सब तो घट जिन्हों का आई क्यू हुंदा है 0 to 24 तक, उस तो अगे 25 प्लस कर दो, 0 to 25 प्लस इतने कर दो, 25 प्लस इतने कर दो, 25 प्लस इतने कर दो, ए 25 प्लस करके तुहाडे कोल 3 डिवीजन आ गई। सो इसनों याद ही करना, आई फॉर ईडियट 3 ईडियट, आई फॉर एम्बीसीएल, एम फॉर मरोन IIM, ठीक है, पहले नू याद रख लिया IIM ईडियट, ओके, अगे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज है, एवरेज, ठीक है, एवरेज की होर रेंज कई ने दिती हुई है 90 to 110 विचकार, पहला एवरेज नू याद रखना, ये एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम वाले लोएसट वाले ईडियट हो गए, आई तो फिर एम्बीसीएल हो गए, फिर मरोन हो गए, ए क्वेश्चन 3 बहुत पूछे जाते हैं, ओके। जे उस तो भी अगे आ जाते हैं, इसनों कहा जाता है अगले 25 जे प्लस करने या 20 प्लस करने हैं बॉर्डर लाइन, ठीक, बॉर्डर लाइन आ गए, ते उस तो बाद डल, तारे जमीन पर बार बार ईशान लिए शब्द वरत्या जाता है डल, इट मीनस उसनों बिलो एवरेज कहा जाता है, उसने कई शब्द वरते जाते हैं ईशान लिए, ईडियट, डफर, डफर इहदे विच नहीं है, एंड डल, ये तीन शब्द तारे जमीन पर वरते जाते हैं। जे याद रखने का तरीका लोअर टू अपर वल जाना है, बहुत सौखा भी हो सकता है, एसोसीएट कर सकते हो, IIM तो बनया ही है, अगे MBD, MBD पुस्तक होंदिया ना, MBD पुस्तक, ठीक है, ईडियट देखो याद हो गया, एम्बीसीएल, एम मोरोन, बी बॉर्डर लाइन, डी डल, अगे एवरेज आ गया, ओके, एवरेज नहीं पूछे जाते, पूछा जा सकता है। अच्छा, इस तो इलावा जे होर कुछ पूछा जाता है, जे पूछा जाए कि बच्चे जेकर ए रेंज का उन्होंने आई क्यू है तो उन्होंने किड़े चिल्ड्रन कहा जाता है, ऑप्शन जो आदि इन्हों कहा जाता है कस्टडियल मेंटली रिटार्डड कहा जाता है, MR हुन शब्द नहीं है, कस्टडियल मेंटली चैलेंज्ड आ सकता है। इस तो अगे जड़ा है वो आ जाता है ट्रेनेबल,
सीटी ट्रेनेबल एम आर याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रेनेबल ई एजुकेबली है ना एम आर ओके ये बच्चों सैवंथ क्लास तक पढ़ाया जा सकता है। ये बच्चे जोड़े है स्कूल विच क्लास जोड़ा साडा करिकुलम है ये उन्होंने नहीं पढ़ाया जा सकता। इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने स्कूल से स्पैशल स्कूल भेज देना, इसका मतलब है कि उन्होंने ज़्यादा इंटेंसिव होम बेस्ड एजुकेशन अल्टरनेटिव एजुकेशन जां इंटेंसिव केयर वाला एनवायरमेंट दिता जाए। इस तो इलावा जोड़ा है 140 तो उत्ते ए वाले जोड़े होंगे इस इन्हों गिफ्टेड चिल्ड्रन टर्मन ने कहा टर्मन 140 गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या गया सी इन्होंने शब्द वरत्या है वेरी ब्राइट सुपीरियर वेरी सुपीरियर प्रीकॉन्शियस फिर लर्न कर सकते हो लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इतों पूछे जाते हैं। सो साडा राइट आंसर मोरोन ए वाला होया है ना जे वो देखना हो जिमें असं याद किया इतने अपलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग हैविंग गिवन बाय अंतरदृष्टि ठीक है जे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए सडन सल्यूशन सडन सडन सल्यूशन इस नाल जो तुम कोशिश करते हो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तो अनकॉन्शियस माइंड भी कम करता रहता है क्रिएटिविटी की भी ये स्टैप्स ने चार तो सडन एकदम सल्यूशन आइडिया आता सडन आइडिया आह यस फिर आइडिया नूं अपलाई करते हाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हाँ। कोहलर ने चिंपैंजी ते एक्सपैरिमेंट किया सी मेरे ख्याल से इतने दोहरावां ना पिछली वीडियो विच गल कर चुके हाँ। सो इनसाइड थ्योरी कोहलर राइट आंसर। नैक्सट है इन ए ट्रायल एंड एरर कनैक्शनिज़म इस थ्योरी का नाम भी है थॉर्नडाइक जो पिछे गल करके आए हाँ। द लॉ ऑफ इफेक्ट है पिछे गल करें आलसो नोन एज लॉ ऑफ मोशन नहीं लॉ ऑफ इफेक्ट का असी किया सी लॉ ऑफ प्लेयर एंड पेन अफेक्ट इफेक्ट मीन के कॉन्सीक्वेंसिज की रहिंदे ने राइट आंसर लॉ ऑफ प्लेयर पेन पिछे डिस्कस करके आए हाँ। वैन ए प्रॉब्लम इज सीन एज हैविंग ओनली वन आंसर जदों समस्या का सिर्फ एक उत्तर ही होवे फॉर एग्जाम्पल साढ़े देश फॉर एग्जाम्पल आर टी ई एक्ट कदों लागू होया है ना ऑप्शन है सारे लिए ऑप्शन सेम ही रहनी है राइट आंसर सेम रहना ऑप्शन हो सकता है 2009 2010 2011 2012 है ना 2010 अप्लाई होया तो ये इस तरह की थिंकिंग नू की कहा जाता है क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि सारी एनर्जी ये मान लो 2010 होया है तो सारी एनर्जी मेंटल एनर्जी इसे वालों लग रही है इसे वालों लग रही है ठीक तो उसनों की कहा जाता है कन्वर्ज कर रहे हैं इसनों कन्वर्ज करना कहते हैं ठीक है। केंद्रमुखी ये केंद्र है केंद्रमुखी ठीक है। क्रिएटिव जो असी इस तो उल्ट वक्रा वक्रा सोचते हाँ वक्रा वक्रा सोचते हाँ कि आर टी ई एक्ट के होर की फायदे हो सकते हैं आर टी ई एक्ट एक गुलाब के फुल के की फायदे हो सकते हैं है ना सो जिन्हें भी फायदे गुनाते हो क्रिएटिव है ठीक। मेंटल सैट रेडीनैस का प्रिंसिपल सी लगभग रेडीनेस ना मिलता सी जो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक मेंटल सेट है। डाइवर्जेंट क्योंकि क्रिएटिविटी तो डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग होंगी है क्रिएटिविटी जो यूजफुल प्रोडक्ट बना लेंगे हो ठीक तो इन दोनों का संबंध आपस में है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी लिए केड़ी थिंकिंग चाहिए है क्रिएटिविटी लिए केड़ी थिंकिंग चाहिए है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों नन ऑफ दीज क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग राइट आंसर यह होंगे है। अच्छा वो लोग जिन्हों एक व्यक्ति जोरदार सांझ महसूस करता है सांझ महसूस देखो पंजाबी तो आंसर सीधा मिल गया पीपल विद हिम होम ए परसन आइडेंटिफाई मोस्ट स्ट्रोंगली इज कॉल्ड आंसर है इन ग्रुप यदि बेस्ट एग्जाम्पल है तुहाडे रिलीजन का ग्रुप कास्ट का ग्रुप सो तुसी अपनी कास्ट वाले नू हमेशा प्रैफर करते हो फॉर एग्जाम्पल तुसी कनाडा विच जाते हो तो उत्थे तुसी भी पंजाबी हो जां सिख हो उत्थे भी कोई सिख देखते हो तुहानू लगता है मेरे ग्रुप का ही है सो इन ग्रुप दूसरे रिलीजन दूसरी कास्ट वाले नू तुसी आउट ग्रुप विच ये साडी कास्ट का नहीं है सो इत्थे राइट आंसर है इन ग्रुप। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी एम्फेसाइज रचना त्मकवाद प्याजे वैगोस्की ब्रूनर जी गल की सी वो किस पर जोर दिता है द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग मैमोराइजिंग ते बिल्कुल जोर नहीं दिता जाता बिल्कुल नहीं हमेशा गली गल द रोल ऑफ इमिटेशन ते बिल्कुल जोर नहीं दिता जाता
ओके द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग, नाउ टीचर ते भी हो, टीचर सेंटर्ड नहीं है, लर्नर सेंटर्ड है, तीनों क्रॉस हो गए, इट मीनस नन ऑफ दीज। एक होर हिंट दे रहा हाँ कि तुहानू जिहड़े पी एस टेट विच क्वेश्चन आते हैं सी टेट ना जो कंपैरिजन हुण करो तो पी एस टेट विच ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ दीज ऑप्शन आदि है तो 80 to 70 to 80-90% ये ऑप्शन सही होंगे हैं। सो वो बायस तो ही सोच सकते हो जो तुहाडी रीजनिंग कम नहीं करती, थिंकिंग कम नहीं करती, नॉलेज नहीं है। हाँ सी टेट विच नवी इंस्ट्रक्शन ये है उन्होंने ये ऑप्शन तो नहीं मिलेगी, नन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव वेरी केयरफुली हम वरते जाते हैं, पर उन्होंने ऑप्शन बाकी इन पुअर होंगे कि क्वेश्चन उत्थे दे उत्थे पुअर ही बन रहे, कोई अच्छे नहीं बन रहे। इट इज़ एन एक्सैप्टड व्यू दैट फीमेल कैन बी बैटर टीचर स्पैशली एट ए प्राइमरी स्कूल लैवल। रीजन की है कि लड़कियां जिहड़े बैटर स्कूल टीचर बनदियां हन, उन्हें इत्थे मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव नूं तुसीं वड्डे व्यू नूं चुनना है। दे कैन बैटर डील विद स्ट्रैसफुल सिचुएशन, ये जनरलाइजेशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। दे आर रेडी टू वर्क एट लोअर सैलरी, वेरी नैरो माइंडडनैस। फीमेल नूं इत्थे डीग्रेड किया गया है कि वह नैरो लो सैलरी ते एग्री हो जांदियां है, ठीक है, बिल्कुल नहीं इस तरह। दे आर ए ग्रेटर नीड टू अर्न द लिवलीहुड, सारियां नूं जनरलाइज नहीं किया जा सकता, सारियां औरतां नूं के अर्न करन दी उन्हां नूं जरूर रोज़गार की बहुत ज़्यादा लोड़ है ना, पंजाबी विच पढ़ सकते हो। वो कई कम इकट्ठे करन दे योग हुंदियां हन, क्या बात है, सब तो वड्डी गल। दे आर मोर एप्ट टू परफॉर्म मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल रोल्स। वैसे कहिंदे ने मेल एक जॉब करता है, फीमेल तीन जॉब करती है। फीमेल बच्चे नूं जन्म भी दिंदी है, पालदी भी है, तो बाहर जॉब भी करती है। सो मल्टीपल रोल दा बड़ी वड्डी एग्जाम्पल है फीमेल, और फ्लैक्सीबल होंदी है। मैं तो तुसी हैरान हो गए जे तुसी पेट्रोल पंप ते जां पुलिस जो नवी भर्ती हो रही फीमेल दी, जे उन्हां नूं अच्छी तरह ऑब्जर्व करो तो तुहानूं ध्यान नाल दिखेगा कि वह ज़्यादा सिंसैरिटी नाल काम कर रही है। चलो वापस चलते हाँ। यस If a child write 16, इसनु उल्टा mirror image, तारे जमी पर, ईशान, dyslexia, learning disability, सारा कुछ याद आ गया एन ए नाल, है ना, एंड गैट कन्फ्यूज बिटवीन बी एंड डी, सेम जो शेप के अक्षर है उन्होंने कन्फ्यूज होंगे है। आमिर खान साहब अपनी फिल्म में दसते भी है जो उन्होंने घर जाते हैं, ईशान के घर जाके उन्होंने मम्मी पापा ब्रदर न इंटरव्यू करते हैं, डाटा कलैक्ट करते, आर्टवर्क देखते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम नो एक्सप्लेन करते हैं कि ये बच्चा जिहड़ा है सेम तरह के अक्षर विच कन्फ्यूज़ हो जाता है। सो इतों एकदम तुहानू बहुत ही उहदी जरूरत नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट है हो मंग ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द इंटैलीजेंस इन टर्म ऑफ प्राइमरी मैंटल एबिलिटीज़। किसी वेले डिलीट करके भी तुसी राइट आंसर ते पहुँच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल थॉन डाइक ने थ्री टाइप ऑफ इंटैलीजेंस दिती सी, तुहाडे लई नवां संभावी क्वेश्चन, कंक्रीट इंटैलीजेंस, एबस्ट्रैक्ट इंटैलीजेंस एंड सोशल इंटैलीजेंस। इमोशनल इंटैलीजेंस दी जो रूट जो जिस थ्योरी नू जे क्या पूछा जाए तो थॉर्नडाइक दी थर्ड टाइप ऑफ इंटैलीजेंस जी सोशल इंटैलीजेंस है उसनू मन्या जाता है। सो इन्हां दी थ्योरी आइडेंटिटिकल जां क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन की किया सी इंटैलीजेंस नू स्टिमुलस सिचुएशन दे आर विच न्यूरॉन्स साडे ब्रेन च जो है जिन्ने कनैक्शन नवा लर्न करदे नवा कनैक्शन बन जाता है, नवा कनैक्शन बन जाता है, इस तरह करोड़ों कनैक्शन बनते हैं। सो ये मल्टीपल इंटैलीजेंस बार जाते हैं, मल्टी फैक्टर इंटैलीजेंस वाल जाते हैं इतने, क्योंकि प्राइमरी मैंटल एबिलिटीज़ है जिद लगभग 7 या 8 इंटैलीजेंस की गल की गई है। सो पहली डिलीट हो गई है। गिलफर्ड ने दिता से थ्यूरी SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटलैक्ट। सब तो पहला उन्होंने 120 फैक्टर दिते सी, रिवाइज हुई थ्यूरी 150 हो गए, हूँ लेटेस्ट थ्यूरी 180 फैक्टर ने। स्पीयरमैन की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्यूरी इन्हों चो जे प्राइम जो इंटैलीजेंस थ्यूरी की शुरुआत हुई है उदे विच मोस्ट साइंटिफिक थ्यूरी जे गिनी जाती है वह है टू फैक्टर थ्यूरी। टू फैक्टर कहड़े से, जी फैक्टर, जी छोटी है, एंड एस फैक्टर, ठीक है, जी जनरल जिहड़ी सारिया एक्टिविटी विच काम आती है, स्पैसीफिक 1, स्पैसीफिक 2, स्पैसीफिक 3, इस तरह स्पैसीफिक किन्ने फैक्टर ने। सो ये टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन दी सी। इत्थे प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो थर्स्टॉन बचिया है, आंसर इज थर्स्टॉन, डी इज राइट आंसर। पंजाबी विच देख लीए विकास तो भाव है निरंतर लड़ी विच वापरण वाले
प्रगतिशील परिवर्तना तो है जो अनुभवों ते परिपक्वता के नतीजे वजो एक क्रमबद्ध ते पूर्व अनुमानित ढंग नाल हुंदे हन। वैसे मैनू जे इंग्लिश पढ़ते जल्दी आ जाना से क्योंकि जो मैं पढ़ता हाँ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर ऑडली एंड प्रडिक्टेबल पैटर्न हरलॉक इन्हां दी बुक मेरे को पई भी है। सो ये डेफिनेशन बड़ी बार पूछी जाती है क्योंकि चाइल्ड डिवेलपमेंट ते बेस्ट बुक जो जे तुसी पढ़नी होवे है ना हरलॉक दी है, अनीता वुल्फॉक दी है दूसरी बुक, तीसरी बर्क दी बुक है चाइल्ड डिवेलपमेंट। वर्ल्ड वाइड एक अध्यापक की सब तो वड्डी चुनौती की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ टीचर, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड ऑफ स्टूडेंट, मेनटेन गुड डिसिप्लिन इन क्लास। डिसिप्लिन बनाना एड्डी वड्डा चैलेंज नहीं है, ठीक है, जे चैलेंज है वो इन्ना वड्डा नहीं है, चैलेंज तो ये सारे ही होंगे। ओके, टू मेक द टीचिंग लर्निंग मोर एंजॉयबल, देखो यार एक गल है इंजॉयबल बन गई लेकिन लर्निंग नहीं हुई, इंजॉयबल प्लस लर्निंग होनी चाहिए है, जे इदा है तो ये चैलेंज है। पर टू असाइन द स्टूडेंट गुड होम असाइनमेंट एंड चैक दैम प्रॉपरली, ये रूटीन च वर्क सारे टीचर कर ले वड्डा चैलेंज नहीं है। दो ऑप्शन इतने सानू चैलेंज कर रही हैं, एक सी एक ए। हुण ये देखना है टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड, हर बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड वक्री होंगी है, ये नाले एबस्ट्रैक्ट है, सीधे तौर पर नहीं समझी जा सकती। हाँ जे कंपेयर किया जाए तो ये वड्डा चैलेंज है, प्राइमरी चैलेंज है, इसलिए आपां चुनते हाँ पहला ए नूं, क्योंकि टीचर इंजॉय तो करा सकता है पर वो लर्निंग तो बिना हो सकता है, लर्निंग तो हो सकती है लेकिन वो बोरिंग हो सकती है, ये दोनों चीज़ां नाल चलदियां हन, तां वो इफेक्टिव टीचर है, वधिया टीचर है, लेकिन इस इत्थे साडे को ऑप्शन उस तो बैटर पई। नैक्सट क्वेश्चन है एक बच्चा दूसरे बच्चे रोंदे हुए नूं चुप कराउण लई अपना खिडौना आसानी नाल दे देवे तां उसदे व्यवहार नूं की कहा जाता है। ये बच्चा है इसने इसनू रोंदे हुए नू देखिया, जो इसनू रोंदे हुए नू देखिया, रोंदा शब्द की है, क्राइंग शब्द की है, इमोशंस इमोशंस, ओके इमोशंस, इस दे इमोशंस नू इन्होंने समझिया, अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंडिंग की, अंडरस्टैंडिंग तो बाद खिडौना टॉय दिता, टॉय गिवन किया, इट मीनस एक्शन भी लिया, एक्शन भी लिया, इमोशनल डिवेलपमेंट भी है कि किसी दे इमोशन नू समझ रहे हो तुसी, दूसरा उदे लिए एम्पैथेटिक एक्शन भी ले रहे हैं कि उदा नेगेटिव इमोशन डाउन हो जाए, पॉजिटिव बन जाए, है ना, कितनी अच्छी गल है, इमोशनल भी है और इंटरेक्ट किया जा रहा है, सोशल भी है, सोशल भी है, इमोशन सोशल वैसे भी बड़े क्लोजली रिलेटेड ने। साडे को ऑप्शन की दित्तियां गईयां है, नंबर एक सोशल डिवेलपमेंट बिल्कुल ठीक है, सोशल डिवेलपमेंट, सोशल इमोशनल डिवेलपमेंट, सोशल इमोशनल डबल टिक लग गया, इमोशनल डिवेलपमेंट टिक लग गया, कोग्नेटिव डिवेलपमेंट बिल्कुल नहीं है क्योंकि थिंकिंग की गल नहीं की गई, कोई नॉलेज की गल नहीं की गई, है ना, मैमरी की गल नहीं की गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग की गल नहीं की गई, हाँ इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सो डबल टिक है, स्ट्रोंग आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ ए चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर, वेरी इजी, फोर स्टेजेस। देखो ये बार बार गल हो चुकी है कि स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, याद रखने का तरीका, ये स्टेज वन जिहड़ी है हाईली एक्शन ओरिएंटेड है, इसनू प्रैक्टिकल नॉलेज, बच्चे प्याजे ने की स्टडी करना सी, नॉलेज किद्दां साडे माइंड च जांदी है, इसनू स्टडी करना सी ना, एक्शन आउंदे है, इसनू सेंसरी सेंसरी मोटर स्टेज एम इत्थे आएगा, 0-2 ईयर तक, ओके बच्चा पूरी तरह नाल इलॉजिकल है, इस स्टेज विच नॉलेज सिर्फ एक्शन नाल लई जा रही है, और इस दा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, परमानेंस किस स्टेज में डिवेलप होंदा है, जे चार दित्तियां गईयां हन तां सेंसरी मोटर स्टेज विच डिवेलप होंदा है, कलर नूं चेंज करांगे, वाइट कर लांगे। अच्छा अगलियां तीन स्टेजेस बहुत जरूरी हैं, ऑपरेशन शब्द नूं समझ लेना है, ऑपरेशन, ऑपरेशन की है लॉजिकल एक्शन इन माइंड, लॉजिकल एक्शन, एक्शन एक बार एक्शन नहीं ना जिहड़े मैं कर रहा दिखाई दे रहा, एक मेरे अंदर एक्शन है,
ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਦੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰਿਵਰਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਰਿਵਰਸੇਬਿਲਿਟੀ। ओके, होर है क्लासीफिकेशन है, सीरीएशन है, ये सारिया एग्जाम्पल ऑपरेशन दियाँ हैं कि बच्चा लॉजिकली ना प्रॉब्लम नू सॉल्व कर लेंदा है, इस स्टेज ते वो कर लेंदा है, इसलिए इहदा नाम ऑपरेशनल, ऑपरेशनल। तो किस तरह करता है, कंक्रीट, कंक्रीट ऑब्जेक्ट नाल। सो इसे नहीं कर पाता, गलतियाँ करता है, इसलिए इहदा नाम प्री लॉजिक तो पहला, लॉजिकल काम तो पहला, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, सो इत्थे कंक्रीट नू छड़ के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंदा है, इसलिए इत्थे एबस्ट्रैक्ट, एबस्ट्रैक्ट जिसनू फॉर्मल, फॉर्मल भी कहता, जिसनू हाइपोथेटिको, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग भी कह दिता। सो ये चार स्टेजेस हैं जिन्नी मैं गल्लां दसियां हैं, इस दे 8-10 क्वेश्चन होर बनते हैं। वापस चलते हैं, फोर स्टेज राइज आंसर सी, वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चाइल्ड डिवेलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। बिल्कुल नहीं, वाइगोत्स्की की थ्यूरी का नाम याद रखना, सोशियो, सोशियो इट मीन सोशियो वाले ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, कल्चरल, कल्चरल थ्यूरी ऑफ कोगनेटिव डिवेलपमेंट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, दैट इज़ वाई नहीं, ड्यू टू जेनेटिक कॉम्पोनेंट ऑफ कल्चर, जेनेटिक नहीं, कल्चर की जिहड़ियां वैल्यूज, टूल्स, टूल्स कल्चरल टूल की गल की सी, है ना, इतने नहीं है कला कल्चर है, तुहानूं भुलेखा पा सकता है, लेकिन इसदे बेस ते असीं रिजैक्ट किया है। प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, यस दिस इज सोशियो इंट्रैक्शन, ए प्रोडक्ट ऑफ असीमिलेशन एंड अकोमोडेशन है, दोनों टर्म प्याजे दियाँ यूज की गई हैं, प्याजे दियाँ इतने रिपीट कर रहा हाँ, याद रहेगा। सो ये भी रोंग आंसर है, ये राइट आंसर है। दूसरी गल बड़ी प्यारी जिहड़ी वाइगोत्स्की ने की, प्याजे नहीं कर सके, प्याजे इंडिविजुअल कोगनेटिव डिवेलपमेंट पर जोर देंदे हन, है ना। आप चलते हाँ बोर्ड पर, प्याजे, प्याजे ने कहा कि लर्नर जो है, लर्नर है वो एक्सटरनल एनवायरमेंट नाल इंटरैक्ट करता है। एनवायरमेंट इतने तुसी बॉल ला लो, टॉय ला लो, ओके, टैक्सट बुक लगा लो, कुछ भी, ठीक, वो इंटरैक्ट करता है, इकला है, वो इंटरैक्शन चो वो अपने मीनिंग बना लेंदा है। जो नवा एनवायरमेंट आता है तो अपने पुराने प्रीवियस नॉलेज जां स्कैमा नू चेंज कर लेंदा है, उस चेंज नू कोगनेटिव डिवेलपमेंट जां असी वो लर्निंग कह दिंदे हां, कोगनेटिव डिवेलपमेंट वड्डा कंसैप्ट है। ठीक, जदों पिछली नॉलेज नाल नवा एनवायरमेंट जां नवी नॉलेज सॉल्व हो जाती है, उसनू असीमिलेशन, उसने कहा सी असीमिलेशन, जदों नवी पुरानी नॉलेज नाल स्कैमा नाल नवी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुंदी, उदों एक डिस्टर्बेंस पैदा हुंदी है, जिसनू उसने कहा सी कि डिसइक्विलिब्रेशन, पूरा नहीं लिखांगा, डिसइक्विलिब्रेशन। और डिसइक्विलिब्रेशन नू खत्म करने लई उह फिर उस ऑब्जेक्ट का नवा स्कैमा बना लेंदा है, जिसनू कहा सी अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ये सारी प्रोसैस नू उसने अडैप्टेशन किया सी। हुण वाइगोत्स्की ने प्लस की कर दिता कि बच्चा जो है एनवायरमेंट ना इकला इंटरैक्ट कर रहा है, ये टॉय है, हाँ दे तो बेशक अडल्ट ने दिता है, है ना, लेकिन वाइगोत्स्की ने एम के ओ का कंसैप्ट दे दिता, एम के मोर नॉलेजिएबल अदर, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक टैक्सट बुक इंग्लिश की पढ़नी है, ये ब्रदर सिस्टर है जा ब्रदर है, फादर है, जिसनों उसकी ज्ञान वधेरे है, तो यदी हैल्प कर सकता है, हैल्प सीधी नहीं करनी कि काम ही कर देना है, जिसे मम्मी पापा स्कूल का होमवर्क आप ही लिख देंगे, वो हैल्प नहीं करनी, हैल्प की करनी है, ये दसनगे कि बेटा कितने सोचना है, टैक्सट बुक का आ वर्ड बारे सोच, यदा मीनिंग देख, तो कितने प्रॉब्लम है ये दसया जाएगा, की प्रॉब्लम है ये नहीं दसया जाएगा। ठीक, वो बच्चा खुद ही प्रॉब्लम अपनी देखेगा, उसनू जे वो गलत दिशा वल सोच रहा है
ते अडल्ट जेड़ा मोर नॉलेजेबल अदर है वो ये कह सकता है कि इत्थे सोच के देख, सोचेगा बच्चा ही। सो इस तरह की हैल्प, इस तरह की हैल्प ज दिंदे आ हौली हौली रिड्यूस करते हैं, इसनों स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जेड पी डी का कंसैप्ट कि टास्क हुण बच्चा सीख सकता है पर विद द हैल्प ऑफ अदर, ये जेड पी डी का कंसैप्ट सी। ओके, सो ये क्वेश्चन तुहानू पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ ने रेवोल्यूशन लिया, प्याजे इत्थे तक सीमित सी, लेकिन इसने सोशल कल्चरल हैल्प जिहड़ी सी वो ऐड कर दी, स्कैफोल्डिंग ऐड कर दी, इंट्रैक्शन जो ही लर्नर दा ते मोर नॉलेजेबल अदर दा। जरूरी नहीं टीचर या पेरेंट ही होएगा, ये पीयर ग्रुप दोस्त भी हो सकते हैं, तुहाडे तो छोटा बच्चा भी हो सकता है। सो वो इंट्रैक्शन बड़ा मीनिंगफुल सी, इसे ने ही जन्म दिता इस इंट्रैक्शन नाल लर्न करन नू कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग जेड़े अज दे टेट दे क्वेश्चनां विच हमेशा ही राइट आंसर होएगा, क्योंकि ये वधिया जो है टीचिंग मैथड विच गिणिया जा रहा है फंडामेंटल थ्योरीज दे द्वारा जिहड़ी कि वैगोस्की द्वारा कीती गई। सो सिफोलर कॉडल नैक्सट क्वेश्चन है, ट्रेंड अप्लाई टू, सिंपल है, जो सिफोलर शब्द आता है मैं कहना है सिर नू याद रखो सिर तो पैरां वल। सो सिर तो पैरां वल, ये मेरा सिर है, छोटा बच्चा मेरा जन्म होया, पहला मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता, ये मोटर मस्कुलर कंट्रोल नहीं है, दो तीन महीने बाद मैं अपनी गर्दन नू कंट्रोल करना शुरू कर दिता। ओके, करन तो बाद मेरी कोऑर्डिनेशन शोल्डर नाल हत्था नाल आईज नाल कोऑर्डिनेशन, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कोऑर्डिनेशन चाहिदी है। सो मस्कुलर कंट्रोल भी है ते कोऑर्डिनेशन भी है, दोनों का राइट आंसर साढ़े को ऑप्शन डी है, उसनों असी चुनांगे। नैक्सट है सोशलाइजेशन और सोशल डिवेलपमेंट इज ए प्रोसैस वेयर बाय बायोलॉजिकल इंडिविजुअल इज कन्वर्टेड इन टू ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वो बारे पढ़ लेना चाहिए है। बायोलॉजिकल इंडिविजुअल की है कि साड़िया एनीमल इंस्टिंक्ट्स ने, सिर्फ जिहड़े खांदे हन पींदे हन जिथे मर्जी टॉयलेट कर देंदे हन सैक्स करते हैं, ये बायोलॉजिकल नीड्स ने, पर यही चीज़ा असी कर सकते हाँ लेकिन एथिकल वे ना, सोशली एक्सैप्टेबल वे ना। सैक्स की एग्जाम्पल ही लैनी है तो मैरिज है, एक पार्टनर है, सिंसियर रिलेशन उन्हें रखना है, ये सोशली एक्सैप्टेबल है ना। खाना है, एक जानवर किस तरह खाता है तो तुसी किवें परोस के खाते हो, सो ये सोशलाइजेशन है जिहड़ी असी लर्न करते हाँ जन्म तो बाद। हाँ जे मैनू इसका उत्तर नहीं पता तो मैं लभना है, मैं डिलीट जिहड़ियां रोंग ऑप्शन मैनू लगदियां वो डिलीट कर दाँगा। जीन प्याजे कोग्नेटिव डिवेलपमेंट सोशल डिवेलपमेंट की गल इन्नी ज़्यादा नहीं की, ये नहीं है कि जीरो की है, हरलॉक की तो बुक है ना, उसने कंसैप्ट नहीं दिते। हुण सोरोसन या कैरेट विचों है राइट आंसर चुन रहा हाँ सी नू, क्योंकि नॉलेज बेस्ड है। मीनिंग ऑफ आई एल एफ ई, दो गल्लां हन इत्थे, सब को शब्द है इंटेग्रेटेड ते इनक्लूसिव। जिहड़ी वो वीडियो कढ़ी है जिहदे विच जिहड़े वर्ड हमेशा ही राइट हुंदे हन करैक्ट हुंदे हन टैट विच, जिहड़े वर्ड दे बेस ते असी ऑप्शन ए कह सकदे हमेशा ही रोंग हुंदी है। सो इनक्लूसिव शब्द जिथे भी आएगा कॉम्प्रीहेंसिव सब तो ज़्यादा है कि फीलिंग लैवल ते बच्चे नूं शामिल कर देना, हर तरह की फैसिलिटी देना है ना। इंटेग्रेशन विच हर तरह की फैसिलिटी नहीं दिती जाती, फॉर एग्जाम्पल ए स्कूल है और ए कुछ एक स्पैशल डिसेबल्ड बच्चे ने, इत्थे तो वो सैपरेट ने, जे इन्हां नूं अलग स्कूल विच पढ़ा दिता गया सैग्रीगेशन हो गई, जे इन्हां नूं इहदे विच शामिल कर दिता गया लेकिन एक क्लास विच अलग ही रखा गया है, इस नूं इंटेग्रेशन कहा जाता है। तो जे इन्हां बच्चियां नूं इस क्लास चो कढ के नॉर्मल स्कूल विच जिथे मर्जी जान जिन्ना मर्जी खान पीन पढ़न सारिया नॉर्मल क्लासा लगन तो ये इनकलूसिव एजुकेशन होगी। सो सब तो वधिया शब्द इसलिए इनकलूसिव है, इनकलूसिव नूं चुनांगे, इनकलूसिव राइट है, इनकलूसिव राइट है, ये रोंग है, ये रोंग है। हुण इनकलूसिव इहदे विच भी है, हुण इहदे विचों लर्निंग फ्रेंडली, लर्निंग फ्रेंडली ये कॉमन है, ये सानूं सही आंसर लब्भन लई हैल्प नहीं कर रहे। फर्क कित्थे है एनवायरमेंट ते एजुकेशन विच, इनकलूसिव एजुकेशन होंदी है लेकिन इत्थे फ्रेंडली शब्द जिहड़ा है फ्रेंडली एजुकेशन नहीं होंदी, फ्रेंडली एनवायरमेंट ही होंदा है, दैट इज़ वाई मैं राइट आंसर चुन रहा हाँ बी नूं। नैक्सट क्वेश्चन है
द स्कूल में बी रिगार्डेड एज सोशल इनवेंशन टू सर्व द सोसाइटी फॉर ए स्पैशलाइज्ड टीचिंग फॉर ए यंग। देखो ये पंजाबी विच अजिहिया कोटेशन पढ़न का कोई फायदा नहीं है क्योंकि याद नहीं होंदिया। ये कोटेशन याद रखन का बहुत सौखा मैं तरीका जिहड़ा लभिया सी, मैं यंग का ओ चक्या सी, ओ तो ओटावे जोड़ लिया सी। राइट आंसर ओटावे। ओके, डिलीशन नाल इन्हां नूं डिलीट भी किया जा सकता है कि उन्हां नाल संबंध नहीं है, लेकिन इस तरह जोड़ के ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड स्टडिंग हार्ड फॉर द सेक ऑफ गैटिंग स्कॉलरशिप। एक बच्चा है वो वजीफा स्कॉलरशिप लेना चाहता है तो ये केड़ी प्रेरणा है? हाँ, सख्त पढ़ाई कर रहा है। हुन जे तां मान लो सख्त पढ़ाई है कि ये टैक्सट पढ़ रहा है, मान लो बुक्स पढ़ रहा है, ओके बुक पढ़ रहा, जे तां बुक पढ़न विच इंजॉयमेंट मिल रही है, इंजॉयमेंट मिल रही है, फिर ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होएगी। जेकर स्कॉलरशिप जो बार है, स्कॉलरशिप है ना, रिवार्ड पनिशमेंट इना दे डर जां फायदे करके पढ़ रहा है, फिर वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होएगी। ठीक, सो इत्थे साडे कोल क्योंकि वो स्कॉलरशिप लिए पढ़ रहा है, दैट इज़ वाई ये हो गई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। राइट आंसर इज एक्सट्रिंसिक। जो तो भी ये क्वेश्चन आवे तुसी यही सोचना है कि की वो एक्टिविटी करन विच आनंद आ रहा है जां किसी होर चीज़ करके एक्टिविटी की जा रही है, बस सोच के तुसी राइट आंसर पर पहुँच सकते हो। ए टीचर्स इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज्ड वैन इट ब्रिंग्स ए गुड रिजल्ट। देखो वड्डा क्राइटीरिया चुनना है, अच्छा रिजल्ट आया, रिजल्ट ओरिएंटेड ऑप्शन गलत होंगे। रेज द आई क्यू ऑफ लर्नर, आई क्यू कदे भी वधाया नहीं जा सकता क्लासरूम च। स्टिमुलेट द लर्नर थिंकिंग, मैं क्या ना बेस्ट जो वर्ड है वो राइट आंसर वाल लै जाते हैं, थिंकिंग ये बेस से राइट आंसर, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। सो राइट आंसर सानू मिल गया है। सो जब तक बच्चा सोचता नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं करता, समझता नहीं है, है ना, ब्लूम्स की टैक्सोनमी इन याद रखो, क्रिएटिविटी तक लैके जाना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग हॉट्स, हायर ऑर्डर स्किल्स जड़िया है, थिंकिंग स्किल्स है वो डिवेलप करनिया हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट नू मैं अंडरलाइन करांगा, ये हो गया मैयड ए बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट। मैनू पता है कि डेफिनेशन जो इंटेलिजेंस की है वो एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी टू एडजस्ट, ये आता है लर्न के बेस से, मैं टिक कर लिया, हाँ हो सकता है। एबिलिटी टू अपलाई नॉलेज इन न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेस्ट दें होंदा है। एबिलिटी टू थिंक डाइवरजेंटली, पिछे भी गल करके आए हैं, क्रिएटिविटी का संबंध, नवा संभावी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, क्रिएटिविटी लिए कि थिंकिंग चाहिए है, डाइवरजेंट थिंकिंग, सो यदा संबंध क्रिएटिविटी नाल है, क्रिएटिविटी टेस्ट विच डाइवरजेंट थिंकिंग असैस होएगी, ये नहीं। सो राइट आंसर सी है, एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप, परसीव रिलेशनशिप रेवनस का टेस्ट है, रेवनस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस, रेवनस SPM भी इसनों कहते हैं। ये डिजाइन दिते होंगे 60 डिजाइन हैं, उन्होंने डिजाइन च 6 ऑप्शन है, 6 चो एक राइट ऑप्शन होएगी, उसनों चुनना होंगे है। सो एक ये नवा क्वेश्चन की आ सकता है, रेवनस के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं ये है, नहीं पूछे जा सकते वैसे। रेवनस दी फुल फॉर्म SPM स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट ये पूछा जा सकता है। ये टेस्ट की नेचर कड़ी है, नॉन वर्बल, क्योंकि पिक्चर्स या डायग्राम्स बने हैं उन्होंने चो राइट चुनना होंदा है। इस केड़ी थ्यूरी दे बेस ते ये टेस्ट बनया है, स्पीयरमैन दी केड़ी थ्यूरी सी, 2-फैक्टर थ्यूरी, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, है ना, जी फैक्टर नू दे एक पार्ट नू मेयर करने लई स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट बनया सी। नैक्सट अगे चलते हैं, 28th क्वेश्चन है, कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट आर रिलेटेड टू। नंबर एक एरिक्सन दियाँ 8 स्टेजेस है, मैचिंग नहीं हो रही, सुलीवेन दियाँ 6 स्टेजेस है, हाँ ये कन्फ्यूजन कर सकदियाँ हैं, पर सुलीवान दा इंटरपर्सनल स्टेजेस है, प्याजे दी जिहड़ी मॉरल डिवेलपमेंट दी है, सो मॉरल डिवेलपमेंट इत्थे मैचिंग हो रही है, लेकिन इस तो वड्डा लॉजिक है कि प्याजे दी कोग्नेटिव डिवेलपमेंट थ्यूरी जो पॉपुलर हुई है वो उहदे नाल नाल उन्होंने बच्चों की इंटरव्यू करके
मॉरल डेवलपमेंट दी गल भी कीती है, स्टेजेस दित्तियां हन, वो स्टेजेस नू बेस बना के कोलबर्ग ने हैंज डायलेमा एच हैंज जेड हैंज डायलेमा स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, इनडिसिसिव स्टेट वेरी डिफिकल्ट स्टेज हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देनी कि तुसी डिसीजन ना ले सको कि चोरी करनी चाहिदी है, कैंसर की दवा चुरा लेनी चाहिदी है या नहीं चुरानी चाहिदी, इस तरह की सिचुएशन, एक पासे वाइफ मर रही है, दूसरे पासे डॉक्टर जिन्हें मेडिसिन बनाई है उसका नुकसान हो रहा है। सो इस तरह की सिचुएशन, मॉरल सिचुएशन दे के तुसी की रीजनिंग करते हो, रीजनिंग करते हो ओदे बेस ते सिक्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन्होंने दित्तियां सी। सो प्याजे बेस है, दैट इज़ वाई इहदे नाल रिलेशन दे बेस ते असीं कह सकते हाँ राइट आंसर सब तो ज़्यादा इन्हां नाल मिलती है। फ्रायड की साइकोसैक्सुअल थ्यूरी है, छे स्टेजेस है बेशक इसदियां, लेकिन ये उहदे नाल कोई मैच नहीं करती क्योंकि ये हैरिडिटी बेस डोमीनेशन है, लेकिन ये इंट्रैक्शन है हैरिडिटी ते एनवायरमेंट की, जिहड़ी कोलबर्ग की थ्यूरी है। अगे चलते हाँ, ये आंसर ही बन रहे हैं जिन्ना मैं कह रहा हाँ कि हैरिडिटी एनवायरमेंट नेचर नर्चर। ओके, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद मिसबिहेवियर ऑफ किंडरगार्टन नर्सरी, पेपर वन है ना छोटिया क्लासों का पूछा जाता है। सो पनिश पहले शब्द तो मैंने पढ़न की लोड़ ही नहीं पई, पनिश तो करना ही नहीं है, इग्नोर तो करना ही नहीं है, गिव सूटेबल पनिश तो करना ही नहीं है, बची यह सब तो वधिया शब्द है। चैनलाइज दूसरा शब्द है, द चाइल्ड चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी इन ए पॉजिटिव, वेरी गुड, ये बेस से राइट आंसर सानू मिल गया है। लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कैन इंप्रूव देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिटन मटीरियल इफ दे यूज द स्ट्रैटेजी ऑफ SQ4R, स्ट्रैटेजी अप्लाई भी करो, सिर्फ इतने लर्न कर लो। ये ऑर्डर है दसना है, फिर मैमरी लैवल का क्वेश्चन है, मैनू यह पता है रिव्यू लास्ट से आता है, इतने रिसीट है, इतने रिसीट है, इतने रिसीट है, रिवाइज है, रिव्यू लास्ट से आता है, मैनू इन्नी जल्दी मिल गया इसका आंसर। ओके चलो, इसनों समझ भी थोड़ा लेना चाहिए है। सो सर्वे क्वेश्चन रीड रिसीट राइट एंड रिव्यू, इतने कई बार रिकॉर्ड भी आ जाता है, वक् वक् ऑथर ने अपने मुताबिक दिता है शब्द वरत्या है, लेकिन 4R आता है, इसनों एक बार समझ लें। हाँ, ए सर्वे क्वेश्चन रीड इतने रिस्पोंड है, उत्थे रिसीट है, रिकॉर्ड एंड रिव्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी एक टैक्सट बुक है जी पढ़नी, उसका सर्वे करना है, सर्वे करन दा मतलब की है कि तुसी उसनों स्कैन करना है, वो मेन टाइटल उस चैप्टर दे, जां जे वड्डे है ज़्यादा चैप्टर हैं तो वो सब टाइटल भी पढ़ने हैं, उस जिहड़ियां मेन पिक्चर्स वो देखनियां, चार्ट्स देखने, ग्राफ देखने हैं। ठीक, दूसरा काम, दूसरा स्टैप, उन्हां टाइटल ते सब टाइटल पिक्चर्स दे बेस ते ही क्वेश्चन फ्रेम कर लेने हैं कि की हुंदे हैं, अपने आप जेड़े क्वेश्चन का आंसर उस टैक्सट चो तुसी लभना है वह बनाए हैं। ठीक, वह क्वेश्चन बन गए दूसरे लैवल ते, तीसरे ते जाके असी की करते हाँ स्टैप ते रीड करते हाँ एक्टिवली, ये तुहानू पता है अच्छी तरह रीड करना है, कोई भी जो है वर्ड है फ्रेज है उसनू छड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो माइंड च बनाए हुए हैं उन्हों का आंसर विच्चों मिल जाए, इसलिए सारी टैक्सट नू ही रीड करना है। फोर्थ स्टैप ते तुसी की करोगे कि मान लो बुक नू बंद कर दिता, रीड कर लिया, उस तो बाद हुण तुसी जो क्वेश्चन बनाया सी उस क्वेश्चन दा आंसर तुहानू मिल गया है, जे मिल गया है तो अपने शब्दों विच, ना कि टैक्सट बुक वाले वर्ड्स, अपने शब्दों विच उस नू बोल के देखना है कि की मैनू आंसर मिल गया है, सैल्फ असैसमेंट भी नाल करनी है। नैक्सट है रीड, सॉरी रिकॉर्ड योर नोट्स, हुण तुसी जो टैक्सट पढ़ी सी हाईलाइट यूज कर सकते हो, जिस तरह मैं इनसर्कल कर रहा हाँ, मार्किंग अंडरलाइन कर सकते हो, टेकिंग नोट्स है। ठीक, क्योंकि ये जिहड़ी इंडीकेशन है ये नोट्स लै लए हैं, ये लास्ट ते जो रिवीजन करनी है उदो तुहाडे कम आ सकती है लास्ट स्टैप च। लास्ट स्टैप की है कि तुसी रिव्यू करना है, रिव्यू रोज़ भी कर सकते हाँ, तुसी इन्हां हाईलाइट्स नू पढ़ते हो, रिव्यू हो गया, वीकली भी हो सकता है। बेस्ट है कि जो तुहाडा टेस्ट फॉर एग्जाम्पल TET का हो रहा है ना, इसको TET च अप्लाई करो,
अपने डीएलएड बीएड च जिहड़े तुहाडे एग्जाम हुंदे आ उहनां ते अप्लाई करो, कोई औखा क्वेश्चन है उत्थे एसक्यू फोर आर अप्लाई करो। फिर तुसीं ओह की करोगे कि जिहड़ा मेन पॉइंट्स है हाईलाइट किए हुए ने उहनां नूं देख के जल्दी रिविजन कर लोगे। ये एक स्ट्रैटेजी है जिहड़ी तुहानूं अप्लाई करनी चाहीदी है डिफिकल्ट टैक्सट नूं अंडरसटैंड करन लई। जिहड़े कैंडीडेट को बहुत घट टाइम है प्रैपरेशन लई जां घट टाइम च प्रिपेयर करना चाहते हैं, उह लर्न टू एक्चुअलाइज ते जाके प्ले लिस्ट नूं क्लिक करन। प्ले लिस्ट विच एक बेसिक टैट बेसिक कोर्स है, इस नूं क्लिक करना है। इहदे विच कुछ ब्रीफ विच जो तुसीं जल्दी अप्लाई करके राइट आंसर तक जल्दी पहुँच सकते हो, वह स्ट्रैटेजीज डिस्कस की गई हैं। एक वो वीडियो हैं जिन्हां दे विच जनरली टैट विच राइट ऑप्शन किहड़े वर्ड तो पहचाने जा सकते हैं, रोंग ऑप्शन किहड़े वर्ड तो पहचाने जा सकते हैं। दूसरी वीडियो की है कि एमसीक्यू क्वेश्चन नूं सॉल्व करन लई कुछ गैस वर्क जां स्ट्रैटेजीज अप्लाई कीतियां जा सकदियां हन। जदों तुहानूं नॉलेज नहीं है रैशनल रीजनिंग नाल जां नॉन रैशनली गैस किदां लगाए जा सकते हैं, 20% कंट्रीब्यूशन अजिहे गैस वर्क दी हुंदी है हर टैसट पेपर विच। तीजा कि तुसीं पेपर जदों देना है अटैम्प्ट करना है उदों किहड़ा आर्डर किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना है कि पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सको, सारे क्वेश्चन कर सको। नैगेटिव मार्किंग विच ऑफलाइन विच ऑफ ऑनलाइन विच किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है। चौथा प्रीवियस ईयर दे कुछ पेपर वो जो वक्रे तौर पर वैसे दिते गए हैं वो सॉल्व करो, उस तो बाद एडवांस्ड कोर्स तुसीं कर सकते हो। ये बेसिक कोर्स उन्हां लई जिहड़े जल्दी घट टाइम विच करना चाहते हैं टैट की तैयारी। लर्न टू एक्चुअलाइज। डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।